नई तिमाही की शुरुआत के साथ 1 अक्टूबर 2023 से कई नए नियम बदल रहे हैं। ये नियम हम सभी को प्रभावित कर सकते हैं। पहला नियम बदल रहे हैं वो है म्यूचुअल फंड खातों में नॉमिनी जोड़ने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 तय की गई थी। ऐसे में 1 अक्टूबर से जिन अकाउंट में नॉमिनी नहीं जोड़ा जाएगा उन्हें डेबिट फ्रीज किया जा सकता है। साथ ही क्रेडिट कार्ड पर 7 लाख रुपए से अधिक के विदेशी खर्च पर 1 अक्टूबर से 20% TCS लगेगा। हालांकि अगर इस तरह का खर्च चिकित्सा या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो TCS 5% ही लगाया जाएगा। विदेशों में शिक्षा के लिए ऋण लेने वालों के लिए 7 लाख रुपए की सीमा से ऊपर 0.5% की दर से TCS देना होगा। साथ ही डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर 2023 को ख़त्म हो रही है। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक अपना डीमैट अकाउंट में नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ा है उन्हें 1 अक्टूबर से परेशानी हो सकती है। साथ ही पब्लिक प्रोविडेंट फंड सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट और अन्य छोटी बचत योजना के निवेश को सितंबर महीने के अंत तक पोस्ट ऑफिस या बैंक ब्रांच में अपना आधार नंबर और पैन नंबर जमा करना होगा। ऐसा करने से चूकने से उनके लघु बचत निवेश को फ्रीज किया जा सकता है। PPF, SSY वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए पैन और आधार नंबर अनिवार्य है। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। अब अगले बदलाव की बात कर रहे हैं। 30 नवंबर 2023 तक ही 2000 के, जी हाँ, 2000 रुपये के नोट भी बदले जाने हैं। ऐसे में 1 अक्टूबर से इन नोटों को रखने वालों को परेशानी होगी। 1 अक्टूबर से 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए सीधे RBI का ही रुख करना होगा, क्योंकि स्थानीय बैंकों में इसके बदलने की समय सीमा खत्म हो जाएगी।